हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का ये वीडियो मेरा है एक टॉपिक के ऊपर जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चित चल रहा है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में। तो मैं आज इसी के बारे में कुछ गुफ्तगू करूँगा। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ उसको ऑडियंस को कि मैं ये किसी तरह का ये रोस्ट वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी को हेट स्प्रेड कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी को कुछ भला बुरा कह रहा हूँ। ठीक, ये सिर्फ मैं कुछ बातें रख रहा हूँ जो मेरे हिसाब से लगता है कि ये सही है। तो ये जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई चल रही थी, यार मैं सच बताऊँ टिकटॉक ना बहुत ही अच्छा ऐप है। सन्नी लियोनी, मैं कहना चाहता हूँ गाइस, मुझे आज 3-4 दिन से अचार खाने का बहुत। नहीं, मैं सच में बता रहा हूँ, टिकटॉक एक अच्छा ऐप है। हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने छिदवाई है नाक, दिख रही है आपको? अच्छी लग रही है ना? कमेंट। यार छोड़ो, रहने भी दो, इस बारे में बात ही करना नहीं है। नहीं, मैं सच में बता रहा हूँ, ये जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का जो फाइट चल रहा है, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि टिकटॉक के मुकाबले ये उल्टा में बोल। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई, हाथ में मरी जाऊंगा भगवान बचाओ। मतलब टिकटॉक नहीं, मतलब जो एक यूट्यूब है, यूट्यूब के कंपेयर में टिकटॉक कुछ भी नहीं आता यार। यूट्यूब में बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरा चैनल पे विजिट करके, मैं बहुत पहले वीडियो डाला था, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट लिखने पड़ती थी, दोस्तों को भी बुलाना पड़ता था यार वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। और मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम्स थी तो मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती थी। एक स्क्रिप्ट लिखो, वीडियो शूट करो, फिर उसको एडिट करो, उसको पोस्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था जब मिला। तो फिर मैंने छोड़ दिया, अपना काम में जुटा। फिर मैं रिटर्न आया, मैं सोचा चलो यार वाइंस नहीं तो कम से कम एक ब्लॉग वीडियो ही बना दूँ। तो ये एक ब्लॉग वीडियो ही है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा यार, थोड़ा प्रॉब्लम्स है। तो मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर दूसरा वीडियो बनाऊँगा, समझे। तो आज के लिए इतना ही। तो बस इतना खाली याद रख लो कि ये जो यूट्यूब है, इसका मुकाबले में टिकटॉक कभी नहीं आ सकता है। मैं फ्यूचर की तो बोल नहीं सकता हूँ, बट प्रेजेंट डे में टिकटॉक यूट्यूब को कभी कंपेयर नहीं कर सकता है। यूट्यूब यार एक अलग लेवल ही है, वहाँ पर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, टिकटॉक में आप सिर्फ फैम बना सकते हैं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, टिकटॉक, अगर आप एक टिकटॉक क्रिएटर है तो उसमें ही बनाइए, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाइए, ना कि आप क्रिंजी कंटेंट बनाइए, क्योंकि क्रिंजी कंटेंट के चलते टिकटॉक ज़्यादा बदनामी झेल रहा है। तो आप, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि टिकटॉक पे आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं, और इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छा लगा तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं यार और किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा कि मैं कैसा वीडियो बनाऊँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, मेरा दूसरा ब्लॉग आने वाला है, मैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए।